तो हम लोग तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, आज मैं जो आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, हो सकता है आपका माइंड इससे थोड़ा दुखित हो जाए। तो क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, सारी जानकारी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बात ये है कि आप टिकटॉक के बारे में जानते होंगे और इसको कैसे यूज किया जाता है और इससे क्या क्या ये होता है आप इसके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों बात यह है कि टिकटॉक को इंडिया में पूरी की पूरी तरीके से बैन करने का पूरा प्रोसेस एकदम चारों तरफ से इस पर दबाव डाला जा रहा है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जाए। तो दोस्तों ये शुरुआत आखिर में कहां से हुई, इसको बैन करने का क्या है पूरा मामला, पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर में इतने दिनों से, आखिर में 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप इसके बारे में हो सकता है जानते हैं, और ये छोटा मतलब चीनी कंपनी है, इसकी शुरुआत उसने की थी। तो दोस्तों ये बंद करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों मामला ये है कि आप टिकटॉक के बारे में जानते हैं कि आप अपने टैलेंटेड यहां पर 15 सेकंड के अंदर आप वीडियो बनाइए और अपना टैलेंट वहां पर आप दिखाइए। तो ये बंद इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि इस पर कुछ ऐसे ऐसे गलत गलत वीडियो, कुछ ऐसी गलत गलत अश्लील अश्लील वीडियो इस पर डाला जा रहा है, जो कि ये इस एक तरह का ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए और अपने कंटेंट के द्वारा आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करिए, फॉलोअर अपना बढ़ाइए, सारा चीज आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बेकार के लोग होते हैं, तो वही जो बेकार कैटेगरी के जो लोग हैं, जो अच्छे नहीं हैं, वही ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिससे किसी के संस्कृति को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। तो एक बात ये है, तो आप किसके बारे में समझ चुके हैं। अब देखिए जो तमिलनाडु की सरकार है वहाँ की कर रही है, यानी आईटी मिनिस्टर वहाँ के एम मणिकंदन, उन्होंने कहा है ये बात जो केंद्र सरकार तक पहुँचाया है कि हमारे इस स्टेट में यानी तमिलनाडु में टिकटॉक को बैन किया जाए क्योंकि हमारे ये तमिल संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा रहा है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही यार थोड़ा सा मामला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास टिकटॉक का अकाउंट है, वैसे मेरे पास टिकटॉक का अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास है तो आप भी थोड़ा सचेत हो जाइए। अगर आपका भी उतना ज़्यादा आपने उस पर टाइम स्पेंड किया है, अपना फॉलोअर बढ़ा है, तो हो सकता है आपका अकाउंट हैक भी हो जाए। क्योंकि ये आप जी इस लड़के को देख रहे हैं, इसका मैं नाम उतना कंफर्म नहीं जानता, ये इसका नाम गोस्वामी ऐसे करके कुछ है, तो ये बेचारा बहुत ही इसके पास टैलेंटेड है और है बहुत से इसके फॉलोअर हैं, तो इसका अकाउंट हैक हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका टिकटॉक पर अकाउंट है तो आप उतनी तरीके से आप सेफ नहीं है। देखिए टिकटॉक पर किसी भी प्रकार का उतना ज़्यादा कड़ा सिक्योरिटी नहीं है, उतना ज़्यादा कड़ा प्राइवेसी इस पर नहीं है, तो अगर आप टिकटॉक पर हैं तो आप थोड़ा सचेत होकर रहिए और कोई कुछ थोड़ा कड़ा पासवर्ड इस पर लगा लीजिए, कुछ थोड़ा कड़ा यूजर नेम, क्योंकि देखिए आप तुरंत चंद मिनटों में हैक हो सकते हैं, जैसा कि ये लड़का हैक हो चुका है। तो यार यही था कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं, जल्द से जल्द आपको अपडेट कर दूं। तो बस आज की इस वीडियो में ही इतना था। मेरा दोस्त है, उसका नाम आशुतोष उपाध्याय है, वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, वो भी टिकटॉक चलाता है और काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो बनाता है। अभी मैं आपको उसका आगे वीडियो दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो उसने अपलोड किया है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कुछ अच्छी अच्छी वीडियो, कुछ थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, अब तो थोड़ा सीरियस बात हो चुका था, लेकिन अब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और कुछ मज़ेदार आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में यही था। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में यही। ठोकने के ना नियम होते हैं, मरने वाले के बारे में जितना कम जानोगे ठोकना उतना ही आसान होगा। हम हैं गुड्डू पंडित और अब मिर्जापुर में मचाएंगे भोका।